हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज माजिद शहाब और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स जो हैं वो हैंडल कर सकते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है? बेसिकली ये सिंबल्स हैं जो कि आपके डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं? आप डेटा में कोई भी डेटा है आपका, आप उसमें एडिशन करना चाहें, आप उसमें सब्ट्रैक्शन करना चाहें, मल्टीप्लिकेशन करना चाहें एंड सो ऑन। और ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपके जिन चीज़ों के ऊपर अप्लाई होते हैं डेटा के ऊपर उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। और किस तरीके से आपने उनको हैंडल करना है वो लेकर आया हूँ मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हैंडल करना है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड रिमाइंडर जो है वो सारे साइन यूज़ होने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये सब लिखे हुए हैं। सो आइए प्लीज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। सो पहला स्टेप हम लोग देखने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, हम यूज़र को कहेंगे कि आपने कुछ नंबर हमें प्रोवाइड करने हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे कहेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, ये हमारा पहला स्टेप होगा। ठीक है, जब नंबर इंटर होगा तो डेफिनेटली वो नंबर कहीं पे सेफ होगा, तो हमें बनाने होंगे वेरिएबल्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर मैंने बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी कंटेनर्स हमने बनाने हैं। कौन कौन से कंटेनर बनाने हैं? हमने टू नंबर सेंटर करवाने हैं, तो हम लोग एक बना लेंगे नंबर वन, एक हम बना लेंगे नंबर टू, एंड उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हम लोगों ने सेव करने हैं। जैसे नंबर वन प्लस नंबर टू, तो हमें एक जगह चाहिए जिसमें हम लोग एडिशन रख सकें, दूसरा हमें एक जगह चाहिए जिसमें हम सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट रख सकें, तीसरा हमें चाहिए जिसमें मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट रख सकें, तो हमें साथ में सम, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, रिमाइंडर, ये कुछ वेरिएबल्स जो हैं हमें चाहिए होंगे। ठीक है, सो हमारा पहला स्टेप क्या है कि हम यूज़र से डेटा लेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, साथ में हम ले कह देते हैं सेकंड नंबर भी इंटर करना है उसने, दो नंबर से इंटर करवाने हैं हमने उससे। फिर हम लोगों ने जो भी नंबर्स उसने इंटर किए हैं उनको रखने के लिए हम लोगों ने दो वेरिएबल्स बनाने हैं, फिर उनका रिजल्ट रखने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट वेरिएबल्स बनाने हैं, और अब तो ऑपरेटर्स को कहना है कि अब आप लोग काम शुरू कर दें। फिर आ जाएंगे हमारे पास ऑपरेटर्स, ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और फाइनली जो है रिजल्ट वो हमारे पास आएगा हमारे प्रोग्राम में। सो ये है हमारे कुछ क्विक स्टेप्स हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। राइट अ प्रोग्राम विच यूजेस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो आए सी प्लस प्लस में अकॉर्डिंग टू दिस थिंग स्टार्ट करते हैं अपना काम। सो ये है मेरी सी प्लस प्लस, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लेना है यूज़र से डेटा, तो हमने यूज़र से डेटा लेना है तो हमारे पास कंटेनर्स होने चाहिए। सो मैं यहाँ पे कंटेनर्स लिखता हूँ इंटीजर टाइप का, एक वेरिएबल मैंने बना दिया नंबर वन कॉमा, अगर साथ में दूसरा आपने बनाना है तो आप कॉमा यूज़ करेंगे। फिर आप लिख रहे हैं नंबर टू, आपने बना लिया सेकेंड कंटेनर नंबर टू, फिर आपने करना है सम, फिर आपने करना है मल्टीप्लाई, फिर आपने करना है सबट्रैक्ट, फिर आपने करना है डिविजन, फिर आपने करना है रिमाइंडर एंड रिमाइंडर एंड डेट्स इट। ये हम लोगों ने कुछ सिचुएशन जो है कर दी है। जो जो चीज़ें हमें चाहिए यूज़र से वो हम लोगों ने यहाँ पर नंबर वन नंबर टू की फॉर्म में लिख दी लाइक दिस, और उनके रिजल्ट्स जो हैं वो हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स में सेव करने जा रहे हैं। सो अब हम यूज़र को कहते हैं कि इंटर फर्स्ट नंबर। सो हम लोग कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं? सी आउट। किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम लोग यूज़र को कुछ डिस्प्ले कर सकें। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट इंटर फर्स्ट नंबर। सो यूज़र को मैंने कहा आप इंटर करें फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर वो कहाँ पे इंटर करवाएगा, आप उसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं? हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल बनाया हुआ है नंबर वन। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और कहता हूँ सी इन नंबर वन। ठीक हो गया, जो भी वो नंबर इंटर करेगा नंबर वन में वो सेफ हो जाएगा। सेकेंड सी आउट इंटर सेकेंड नंबर, हमने यहाँ पे सेकंड नंबर भी इंटर करवा दिया, आई मीन स्टेटमेंट हमने दे दी और सी इन कर दिया नंबर टू में। तो हम लोगों ने दो नंबर्स उससे लेने थे, दोनों नंबर्स हम लोगों ने अपने अपने रिस्पेक्टेड वेरिएबल्स में जो भी जो रिलेटेड वेरिएबल्स है उसमें पुट करवा दिए। अब हम लोगों ने काम करना है, अपना ऑपरेटर्स को कहना है कि आपने काम स्टार्ट करना है। कैसे होगा? सबसे पहले मैंने करना है नंबर वन प्लस नंबर टू, ये मैं चाहता हूँ। जो भी यूज़र ने इंटर किए हैं नंबर पहला वाला सेव हुआ था नंबर वन वेरिएबल में,
दूसरा वाला सेव हुआ था नंबर टू वेरिएबल में, मैंने बीच में लगा दिया प्लस साइन एंड डेट इज बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैं चाहता हूँ जो भी नंबर्स इंटर हुए हैं उनका एडिशन हो जाए। नाउ ये एडिशन तो हो जाएगा, लेकिन ये एडिशन कहाँ पर सेफ हो, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया था, अगर आपको याद हो, उसका नाम था सम। ये ऊपर बना हुआ है सम वेरिएबल, इन दोनों का आंसर जो है वो सेफ हो जाएगा, यहाँ पे सेफ रहेगा। सेकंड, हम करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो नंबर वन मल्टीप्लाई नंबर टू। ये बात ख्याल रखें कि नंबर वन मल्टीप्लाई का जो साइन है वो है ये वाला स्टेरिक, ठीक है, शिफ्ट एट प्रेस करेंगे तो आपके लिए आ जाएगा। तो नंबर वन मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर टू के साथ। थर्ड हमने करना है सब्ट्रैक्ट नंबर वन माइनस नंबर टू, सब्ट्रैक्शन भी हो गई। फिर डिवाइड करना चाहते हैं हम लोग, तो नंबर वन डिवाइड का साइन ये फॉरवर्ड स्लैश है नंबर टू, ये भी हम लोगों ने कर दिया। फोर ऑपरेशंस हो गए, लास्ट वन भी हमने करना है, वो है रिमाइंडर का, रिमाइंडर नंबर वन, और रिमाइंडर का साइन ये है दिस साइड, ठीक है, नंबर टू। रिमाइंडर जो भी आपके रिमाइंडर में बच जाएगा वो आंसर होगा, मैथमेटिक्स में जो रिमाइंडर होता है, डिविजन जो आप करते हैं, जो लास्ट में रह जाता है वो चीज़। सो ये मेरे कुछ फाइव ऑपरेशंस हो गए हैं। अब मैं इनके रिजल्ट जो है वो प्रिंट करना चाहता हूँ। सो मैं करता हूँ सी आउट सम इज, ठीक है, सम इज। अब ये जो मैंने काम किया है इसका क्या मतलब है, ये जो है ये तो एक सिंपल सा मैसेज आएगा आपके लिए, ठीक है, सिंपल सा मैसेज सम इज एंड दैट्स इट। अब मैंने आगे जो भी रिजल्ट है आपका एडिशन का, जिस वेरिएबल में आपने पुट किया हुआ है, वो मेरा ये वेरिएबल है, तो मैंने एक ही सी आउट के थ्रू ये वाला साइन जो है लगाया और अपना रिजल्ट जो है वो प्रिंट किया यूजिंग सी आउट। अब इसका मतलब एक्चुअली में ये है, अगर आपको ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो आप इसमें सेमी कॉलन लगाएं और नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं आप लोग सम वेरिएबल, ये भी ठीक है। सम इज ये स्टेटमेंट लिखी भी आएगी और नीचे सम वाला वेरिएबल जो है उसमें जो भी आंसर होगा वो आपके लिए प्रिंट हो जाएगा। अगर इसका अल्टरनेट करते हैं तो वो ये है एक्चुअली जो मैंने पहले किया है, एक ही सी आउट के थ्रू आप लोग मल्टीपल चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट के थ्रू पहले एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं फिर उसके बाद आप सम वेरिएबल भी प्रिंट कर रहे हैं। पहले इतना प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। सो हम लोग इसको रन करते हैं। ओके, सो कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, मैं इंटर कर देता हूँ फोर। लिखा हुआ है इंटर सेकेंड नंबर, मैं इंटर कर देता हूँ टू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम इज सिक्स, सो फोर प्लस टू इक्वल टू सिक्स, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम अभी आया है। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि लिखा हुआ है सी आउट मल्टीप्लीकेशन इस और वेरिएबल का नाम था मल, ठीक है, ये लिखा हुआ है एम यू एल मल्टीप्लीकेशन के लिए। सो रन करके देखते हैं इसको। पहला नंबर मैं एंटर करता हूँ फोर, दूसरा नंबर एंटर करता हूँ मैं टू। तो अब आप ज़रा देखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा रिजल्ट आ रहा है। पहले लिखा हुआ है सम इज सिक्स, क्योंकि फोर प्लस टू इक्वल टू सिक्स होगा, मल्टीप्लीकेशन आ रही है फोर इंटू टू डेट इज एट, लेकिन वो दोनों एक ही लाइन में आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं ये दोनों अलग अलग लाइन्स में आ जाएँ तो आपने एक सिंपल सा काम करना है, और वो ये है कि इन दोनों लाइनों के बीच में एक और स्टेटमेंट है, उसको हम बोलते हैं एंड एल, एंड एल इसका मतलब है एंड लाइन, लाइन एंड कर दो और नेक्स्ट लाइन में हमें रिजल्ट जो है वो शो करो। सो मैं कंट्रोल F9 करता हूँ, फोर एंड टू। तो अब आप देख सकते हैं सम इज सिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एट, अब ये ठीक तरीके से आ रहा है। इसको हम लोग कर रहे हैं यूजिंग एंड एल एंड लाइन। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, अगेन हमें चाहिए होगा एंड एल, और करते हैं सी आउट सब्ट्रैक्शन इज और सब हमारा वेरिएबल हो गया। फिर हमने करना है एंड एल, आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि एंड एल हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, हर एक लाइन का जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको अलग अलग लाइन से प्रिंट करने के लिए। सो नेक्स्ट रह गया हमारे पास सी आउट डिविजन इज डिविजन इज और वेरिएबल का नाम है डिवाइड या डिव, मैंने लिखा हुआ है। फिर हमें चाहिए होगा सी आउट एंड एंड एल, और लास्ट में हमने करना है रिमाइंडर का, सो रिमाइंडर इज और हम लोगों का वेरिएबल नेम था रैम एंड दैट्स इट। सो अब हमारे सारे रिजल्ट जो हैं वो प्रिंट होने लगे हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम हो गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो इसको रन करते हैं, कंट्रोल F9, फर्स्ट नंबर इंटर कर रहा हूँ मैं फोर, सेकेंड नंबर इंटर कर रहा हूँ मैं टू,
तो आप देख सकते हैं सम इज 6, मल्टीप्लीकेशन इज 8, सब्ट्रैक्शन इज 4 माइनस 2 डेट इज 2, डिवीजन 4 डिवाइड बाई 2 2, और रिमाइंडर को चेक करें 4 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर में आपके पास आ रहा है 0। आप कोई और वैल्यूज भी इंटर कर सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आप इंटर कर देता हूँ 8 और दूसरी इंटर कर देता हूँ 4। सो 8 प्लस 4 12, 8 इंटू 4 32, 8 माइनस 4 4 एंड 8 डिवाइड बाई 2 डेट इज सॉरी 8 डिवाइड बाई 4 डेट इज 2 एंड रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 0। तो ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर था। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा इस वीडियो में। ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर्स में बताई हैं आपको, कैसे आप लोग सी आउट करते हैं, कैसे आप लोग सीन करते हैं, कैसे आप लोग वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए नई थी, डेट इज़ ऑपरेटर्स। यहाँ से आप लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम जो था वो नया था। तो पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है बहुत ही डिटेल में। और मोस्ट वेलकम, क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम आप लोग मुझे बताइए, मैं आपके साथ और भी एग्जांपल्स शेयर कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।